आई होप आप सब अच्छे हो। सो गाइस आफ्टर वेडिंग दिस इज माई फर्स्ट व्लॉग। तो मैं पूजा करके आ गई थी एंड यहाँ पर मैंने पतिदेव को उठा दिया था एंड वो सो उठ गए थे। उसके बाद मैंने लगा ली थी मेहंदी, क्योंकि शाम को मेहंदी नहीं लगा पाई थी, पैकिंग करी थी इस वजह से मुझे मेहंदी लगाने का टाइम नहीं मिला था। और मेहंदी लगाने के बाद मैं सो गई थी, जिसकी वजह से इनका नाम थोड़ा सा यहाँ से मुझसे ख़राब हो गया था। ये मैंने अनुभव लिखाया था एंड ये यहाँ से थोड़ा सा ख़राब हो गया क्योंकि मैं सो गई थी। और मैं जा रही हूँ आज शिव के साथ अपनी फर्स्ट ट्रिप पे, तो हम दोनों जा रहे हैं घूमने। हे गाइस, हेलो। सो कानपुर से हमारी ट्रेन थी दिल्ली की, लेकिन उस टाइम ट्रेन इतनी ज़्यादा लेट हो रही थी कि हम ट्रेन से फिर दिल्ली नहीं गए। लेट ट्रेन की वजह से हम आ गए थे लखनऊ। तो लखनऊ से हमने फ्लाइट ली थी, फिर हम गए थे दिल्ली। सो फाइनली मैं और शिव आ गए। हम आए थे चारबाग, चारबाग से हमने मेट्रो ली एंड मेट्रो से फिर हम आ गए थे सीधे एयरपोर्ट पे। सो हमने वहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक कराए एंड उसके बाद फिर हम गए अंदर। तो शिव ने टिकट चेक कराई, उसके बाद शिव अंदर आए, देन हमने अपना लगेज सबमिट किया। लगेज सबमिट करने के बाद हम गए थे वेटिंग एरिया पे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी रात की, तो काफ़ी ज़्यादा लेट फ्लाइट थी, इसलिए हमने वहाँ पर जाके वेट किया। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। फिर मैंने मंगाई अपनी कॉफ़ी, क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी, देन मैंने अपनी कॉफ़ी पी। फिर हम लोगों ने वहाँ पर खाना भी खाया था जो हम लोग लेके गए थे। एंड फिर उसके बाद जब ज़्यादा नाइट हो गई थी तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ गई थी, फिर मैंने अपना शॉल निकाल लिया एंड यहाँ मैंने अपना शॉल ओढ़ लिया है। उसके बाद हमने टिकट चेक कराई, देन हम गए अपनी बस पे, बस से फिर हम गए फ्लाइट की ओर। और शिव का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था फ्लाइट का, तो हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे एंड फाइनली हम लोग अंदर आ गए थे। एंड यहाँ पर मैंने अपनी सीट बेल्ट लगा ली है एंड यहाँ मैं शिव से कह रही हूँ कि रिलैक्स होकर बैठो, क्योंकि शिव को लग रहा था कि थोड़ा सा डर लगेगा फ्लाइट जब टेक ऑफ होगी। बट जब टेक ऑफ हुई तो हम लोगों को कुछ भी फील नहीं हो रहा था एंड हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। फाइनली फ़्लाइट टेक ऑफ हुई एंड कुछ भी फील नहीं हुआ, हम दोनों तो इतने एक्साइटेड थे। तो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ लखनऊ का व्यू इस तरह से दिख रहा था, क्योंकि नाइट हो गई थी तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। हम लोगों की फ़्लाइट थी 1 घंटे की, जिसमें मुझे नींद भी आने लगी थी क्योंकि सुबह से मैं जग रही थी। फाइनली मैं आ गई हूँ दिल्ली। तो ये है दिल्ली का एयरपोर्ट एंड फाइनली हम लोग यहाँ आ चुके हैं एंड अब हमारी फ़्लाइट यहाँ से है बागडोगरा के लिए। सिक्किम हम लोग जाने वाले हैं, तो यहाँ से हम लोग अपनी फ़्लाइट चेंज करेंगे। फिर हमने ली बस एंड हम आ गए थे एयरपोर्ट पे एंड वहाँ से हमने अपना लगेज ले लिया। इतना सारा सामान लेके गए थे क्योंकि ठंड की वजह से सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। ये 2 बैग एंड शिफ्ट जो बैग लिए हैं, इतना सारा सामान हो गया था ठंड की वजह से। फिर हम उससे आए टर्मिनल चेंज किया हमने एंड वहाँ पर हम आए जहाँ से हमारी बागडोगरा की फ़्लाइट थी। सो फाइनली वी रीच्ड इन टर्मिनल 2 इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है अभी। सो दिल्ली आने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद हमने चेंज किया एंड फाइनली टाइम हो चुका था, 3 बज गए थे और बागडोगरा के हमारी फ्लाइट थी सुबह 6 बजे की। उसके बाद हम अपना लगेज सबमिट कराने जा रहे थे एंड उसके बाद फिर हम अपने टिकट लेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी घूम के जाना पड़ रहा था, इसलिए मैं शिव से पूछ रही थी कि कहाँ से जाना है। तो फाइनली इतना सारा चलने के बाद फाइनली हमने अपना लगेज सबमिट कराया एंड यहाँ पर शिव ने ले ली है टिकट। और मुझे भूख बहुत तेज़ लगी थी, मतलब इतनी तेज़ भूख लग रही थी कि कुछ पूछिए मत। फिर मेरे लिए गए खाना लाने एंड उन्होंने मुझसे पूछा क्या खाना है, तो मैंने कहा मुझे मेरा फेवरेट डोसा खाना है। एंड यहाँ पर शिव पूरी थाली ले आए थे डोसा के, जिसमें इडली सांभर डोसा सब था एंड यहाँ पर शिव इस तरह से लगा रहे हैं। उन्हें ना इस तरह से प्रेजेंटेशन करना बहुत अच्छा लगता है एंड उन्होंने मेरा फेवरेट डोसा लगाया था। डोसा हम दोनों का ही फेवरेट है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मिले क्योंकि इतनी तेज़ भूख लगी थी। Oh, 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 oh
का खाना कैसा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो इतना कुछ खास नहीं लगा, उसके बाद हमारे पास थोड़ा टाइम था एंड यहाँ पर शिव को आ गई थी नींद जिसकी वजह से हम फिर से लेट हो गए थे। एंड ये देखिए इन्हें नींद आ गई थी, मुझे भी नींद आ गई थी, मैं भी थोड़ा सा सो गई थी। फिर हम लोग फटाफट से भाग भाग के हमने अपनी फ्लाइट पकड़ी क्योंकि हमारी फ्लाइट बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। ऑलमोस्ट अनाउंसमेंट हो गई थी कि मिस्टर लवली यादव एंड अनुभव यादव जहाँ भी हो फ़ौरन आए। सो फाइनली हम लोग भाग भाग के आए एंड वो बस लास्ट थी, मतलब हमारा ही वेट करी थी, उसके बाद बस चली गई थी। तो फाइनली हम लोग आ गए थे, उसके बाद हमने अपनी टिकट चेक कराई एंड अब हम आ गए हैं अपनी फ्लाइट पर। एंड फ्लाइट में मैं यहाँ पर आके बैठ चुकी हूँ। तो रास्ते में ना व्यू बहुत प्यारा आया था लेकिन मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं व्यू एंजॉय कर रही थी। एंड यहाँ पर ठंड नहीं थी, मतलब पार्क डोबरा में ठंड नहीं थी जितनी ठंड दिल्ली में थी। बट मैं एक्साइटेड थी कि आई होप यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम होगा, लेकिन सुबह 8 बजे ना यहाँ पर इतनी तेज़ धूप थी। रास्ते में अगर कुछ व्यू पॉइंट मिले तो बताते जाना यार। सो एयरपोर्ट से हमने पर्सनल कैब बुक करी थी, आप शेयरिंग में भी जा सकते हैं, शेयरिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए हमने पर्सनल कैब ली थी। तो अभी हम लोग बागडोगरा से निकले हैं एयरपोर्ट से और जा रहे हैं गंगटोक। रास्ते में हम लोगों ने खाने पीने का थोड़ा सा सामान लिया है क्योंकि अभी हम लोगों को काफ़ी लेट हो जाएगा, एक बज जाएगा। मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप ही बोल देते यार। चलो अब हम लोग गंगटोक जाते हुए, रास्ते में ये तीस्ता नदी पड़ी है, उसी तीस्ता नदी के पास। जो भी पिक्चर्स थी वो हमने क्लिक करा ली एंड वो मिलेंगी आपको इंस्टाग्राम अकाउंट में, तो वहाँ पर जाकर जरूर फॉलो करिएगा। फाइनली वी रीच माय डेस्टिनेशन गंगटोक इन होटल तैराना। तो फाइनली हम लोगों ने चेकिंग कर ली थी एंड यहाँ आ गए थे हम लोग अपने रूम में। तो मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। यहाँ पर इस तरह से बेड पड़ा है एंड साइड में कबर्ड है, उसके बगल में टीवी यूनिटी है एंड फिर मिरर है। और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी इसलिए फटाफट से भैया आ गए थे एंड मैंने फटाफट से उन्हें लंच का ऑर्डर दे दिया था। मैंने मंगाए थे अपने फेवरेट मंचूरियन और नूडल्स। ओ माई गॉड, इस होटल के मंचूरियन नूडल्स मैंने पूरे सिक्किम में कहीं नहीं खाए, इतने ज़्यादा यम्मी थे, आई लव इट। ऐसे मंचूरियन मैंने कहीं नहीं खाए। सो फटाफट से मैं फ्रेशन अप होके आ गई थी एंड उसके बाद फिर मैंने सर्व किया अपने नूडल्स एंड मंचूरियन। सो यहाँ पर मैं सर्व कर रही हूँ एंड ये ना बहुत ज़्यादा यम्मी थे। और यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, सिक्किम में ठंड बहुत ज़्यादा थी, हम लोग काफ़ी ऊपर गए थे, गैंगटॉक काफ़ी ऊपर है तो यहाँ पर ठंड लग रही थी आराम से। एंड यहाँ का मौसम अच्छा लग रहा था बागडोगरा से। उसके बाद फिर मैंने शिव के लिए सर्व किया था, फिर मैंने इंजॉय किया था। सबसे पहले मैंने शिव को खिलाया एंड शिव ने भी मुझे खिलाया था। मैं उनसे पूछ रही थी कि आपको कैसा लगा, उन्होंने कहा कि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। देन हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया एंड फिर शाम को हम लोग निकल गए थे बाहर एक्सप्लोर करने की, देखते हैं आसपास क्या है एंड फिर वहाँ पे ही डिनर करेंगे। बट यहाँ पर ना मार्केट और शॉप्स बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं। हम लोग आ गए थे 9 बजे लेकिन यहाँ पर 8 बजे से ही सब बंद होने लगता है। फिर हम इस रेस्टोरेंट में आ गए थे एंड हमने यहाँ पर डिनर मंगाया था। यहाँ पर हमने मंगाया था मटर पनीर और रोटी। तो यहाँ पर आने के बाद फिर हम लोगों ने डिनर कर लिया था। डिनर करने के बाद फिर हम अपने होटल वापस आ रहे थे। सो इस ट्रैवल व्लॉग के नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ कहाँ गए थे। तो स्टे ट्यून्ड, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, आई होप यू लाइक दिस व्लॉग।